हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, राइनोप्लास्टी नोज सर्जन। दोस्तों, हमारे साथ हैं राजेंद्र जी, जो हमारे पेशेंट हैं। राजेंद्र जी की नोज़ में प्रॉब्लम थी, और इनकी नोज सर्जरी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। बट पहले हम सबसे पहले राजेंद्र से जानते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसी इनकी जर्नी रही, और आज सर्जरी के एक महीने बाद जो है क्या उनकी फीलिंग्स हैं। राजेंद्र जी, आप बताइए, आपको नोज़ में क्या प्रॉब्लम थी, सबसे बताइए। पहले सर आपको नमस्ते। थैंक पहले मेरे नोज़ में प्रॉब्लम होती थी और नोज़ टेढ़ा भी था। काफ़ी बार मेरे को इचिंग भी होती थी। फिर मेरे को किसी ने आपका रेफरेंस दिया था, और कोई हमारे गांव से, बाड़मेर से, बहुत 600 किलोमीटर दूर से आपके पास आए थे। तब अच्छा, फिर मैं आपके पास आया और आपने एक दो बार देखा, फिर आपने मेरे को एडवाइस किया, और उसके बाद मैंने ये राइनोप्लास्टिक सर्जरी कराई। अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। राजेंद्र जी, जैसे आपको नोज़ में प्रॉब्लम थी और मैंने देखने के बाद सर्जरी एडवाइस की, थोड़ा सा आपको ऐसा लगा नहीं, डर नहीं लगा कि यार ये नोज़ सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी नहीं चाहिए? सर, थोड़ा पहले मन में डर था, लेकिन जब मैंने आपके बारे में सुना ना, मैं और भी हॉस्पिटल गया था दिखाने, लेकिन मेरे को उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। जब आपने बोला ना कि ये हो जाएगी सही, कोई टेंशन नहीं है, मैं हूँ, तब मैंने करा दी और एकदम सक्सेसफुल रही। मेरे को आज कोई डर नहीं लगा, और आज अच्छा, भी मैंने काफ़ी लोगों को एडवाइस किया है कि सर के पास जाए, और आपका एडवाइस ये बताया है। थैंक यू। बट अभी जो नोज को पहले, जैसे आपका डेविएशन भी था, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम भी थी, नाउ यू आर हैप्पी विथ योर आई एम नोज? वेरी हैप्पी सर, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, देखो अभी क्या, राजेंद्र जी, हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसी नोज की प्रॉब्लम है, भी करती है, वो बड़े परेशान भी रहते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कराते किसी कारण से। क्या एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप उन लोगों को देना चाहोगे? मैं सभी भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके भी नोज में प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आए, बताए, और बिगर डरे इसकी सर्जरी कराए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब कुछ सही हो जाता है। इसके बाद सांस वास में भी दिक्कत नहीं होती है, और आगे इन फ्यूचर आपकी बेस्ट होगा आपके लिए। थैंक यू राजेंद्र जी। एंड फ्रेंड्स, रियली राजेंद्र जी का जो नोज़ की जो प्रॉब्लम थी, अगर आप इनका नोज़, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बेसिकली हमारे मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम क्रूकड नोज़ बोलते हैं, कि ये नोज़ क्या है, एकदम डेविएटेड था एक तरफ से, एंड नोज़ की क्या है, सिमेट्री भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, एंड ये नोज़ दूसरी एक्सिस में जा रहा था, तो ये डेविएटेड नोज़ था बेसिकली। सो इसमें क्या है कि बेसिकली पेशेंट को जो है वो लुक में भी और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होता है, ये एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड विकृति होती है। बट इसको जो ठीक किया जाता है, तो सेक्टो राइनोप्लास्टी जो ऑपरेशन होता है, उससे नाक के अंदर का जो फ्रेमवर्क है उसको पूरा स्ट्रेट किया जाता है, जिससे पेशेंट का लुक भी बेटर होता है, एंड पेशेंट को जो ब्रीदिंग है वो भी ब्लॉक जो हो भी ठीक हो जाता है। राजेंद्र जी ने जो बात बताई वो बहुत अच्छी बात बताई, कि अगर किसी को विकृति है और परेशानी है तो उसको हमें बेसिकली क्या है कि ठीक कराना चाहिए। बट हमें बहुत सारे दिमाग में जो मिथ है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कि बाहर से कोई चीरा लग जाएगा, बाहर से कोई निशान आ जाएगा, या कोई ऐसा हो जाएगा जो मेरे आगे प्रॉब्लम होगी। बट यस, आपको इसके लिए जो सर्जन का चुनाव करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपना जहाँ सर्जरी करा रहे हैं उस सर्जन के बारे में पूरा जो है उसका एक्रेडेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, उसके प्रीवियस जो है वो सारा हमें अच्छे से जान लेना चाहिए। एंड वंस अगेन थैंक यू राजेंद्र जी।